रिमाइंडर के लिए एक सॉफ्टवेयर एक्सेल पे बनाना सिखाया मैंने, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे कैसे बनाते हैं अगला वीडियो इसका होगा, और इसके साथ साथ सीएसएस में एक कैलेंडर मैंने बनाया, कैलेंडर 2021 का है, और इसके लिए जो कोडिंग की है वो कोडिंग कुछ इस तरह से है। राइट क्लिक करता हूं इस प्रोग्राम के ऊपर और यहां से इसे नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन कर लेता हूं, हो चुका है। तो यहां पे डॉक टाइप एचटीएमएल और ये पूरा पोर्शन जो है सीएसएस का है, ये देख सकते हैं मार्जिन पैडिंग एलआई टैग का यूज किया हमने, यूएल यूज किया, ठीक है। और फिर यहां कलर के कोड कुछ लिए हैं मैंने, तो यहां पे देख सकते हैं कलर के कोड हैं, ये जो देख हेक्साडेसिमल कोड लिखा है मैंने, और यहां पे स्टाइल टैग लगाया, फिर डिप टैग लगाया इस तरीके से, और देखिए यहां एलआई लिस्टिंग की है मैंने, ठीक है, यूएल टैग लगाया है, अनऑर्डर लिस्ट। तो ये सब मिला करके हमने ये प्रोग्राम बनाया है, और इसके बाद इसको एक बार रन करवा के दिखा देता हूं आपको कि ये प्रोग्राम अगर चलेगा तो क्या प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। ओपन हो चुका है, देख सकते हैं यहां पर अगस्त महीने का है ये हुआ है, और ये एक मंथ की डिटेल की बात की है मैंने इसमें। अगर आपको पूरा कैलेंडर बनाना है तो इसी तरह से आपको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, कोडिंग बड़ी हो जाएगी और आप कैलेंडर बना पाएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और सीखते रहिए कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन के साथ।